subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेफ फैसल, तां ॾिसो पिया कुकिंग शो में। सभु ख़ैरियत सां हूंदा, मज़ेदार रेसिपीस रमज़ान जी खणी आया आहियूं तव्हांजे लाइ। काफ़ी सारी वैरायटी जेको तव्हांखे ॿुधाई ऐं पेज ते मेंशन थियल आहे पूरो मेन्यू वीक जो, हुन हिसाब सां रेसिपीस ठाहींदा वेंदासीं। तव्हां जेको फरमाइश हुजे त उहो बि करे सघो था। कर्शी जो जामेश्री असां गॾु आहे। जामेश्री में ॿ फ्लेवर आहिनि, हिकु आहे गुलाब जो, हिकु आहे इलायची जो फ्लेवर। इलायची जो फ्लेवर बि तमामु बहितरीन आहे जेको तव्हां वठी हिनखे ठाहे सघो था। खीर सां गॾु बि ठाहे सघो था ऐं हिन में तुख मलंगू बि विझी सघो था। काफ़ी सारा हिन जा मिठा बि ठहंदा आहिनि, उहो बि तव्हांखे ठाहे सघंदासीं। त वठो ऐं पंहिंजी इफ्तारी खे मज़ेदार ठाहियो। ऐं एनएक्स असां सां गॾु आहे। एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर हर शइ तव्हांजे साम्हूं यूज़ कंदा आहियूं। अॼोकी रेसिपी छा आहे, पकौड़ा प्लेटर, डिफरेंट क़िस्म जा पकौड़ा ठहंदा आहिनि। हुनजो पूरो प्लेटर ठहंदो आहे। ज़रूरी न आहे की तव्हां इलाही वधीक क्वांटिटी में ठाहियो, चारि खां छह माण्हू आहियो त थोरी थोरी क्वांटिटी में उहे सभु शयूं ठाहींदो। तमामु सुठो हिकिड़ो प्लेटर ठहंदो। अॼु उहो ठाहिणु सेखारियां पियो। पोइ सुभाणे फ्रूट चाट ठाहींदासीं, हिकिड़ो क्रीमी फ्रूट चाट, हिकिड़ो नॉर्मल फ्रूट चाट, हिकिड़ो बनाना चाट, टे शयूं सुभाणे बि ठाहींदासीं। हिन तरीक़े सां काफ़ी सारी वैरायटी मां हुते मेंशन कई आहे, पेज ते तव्हां ॾिसी सघो था। ऐं सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदो, स्क्रीन ते नंबर हले पियो। का बि फरमाइश खणी हुजे, कुझु बि पुछणो हुजे, तव्हां पुछी सघो था। आज की जो हम रेसिपी बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट है। पकौड़ा प्लेटर बना रहे हैं, इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें कम कम क्वांटिटी में बनाएं। जितने मेंबर्स हैं उस हिसाब से पीसेज वाइज आप वो बना सकते हैं। बैटर एक ही बनेगा, चीज़ों की वैरायटी आप खुद अरेंज कर सकते हैं। और कर्शी जामेश्री हमारे साथ हैं, ज़बरदस्त इसकी ड्रिंक बनती है, दूध के साथ बना सकते हैं, लस्सी इसकी बनती है, इसमें शेक में आप डाल सकते हैं। इलायची फ्लेवर में भी अवेलेबल है और उसके साथ ये शुगर फ्री भी आया हुआ मार्केट में, गुलाब के फ्लेवर में भी, रेड में भी अवेलेबल है। आप बनाएं दस्तरखान को मज़ेदार बनाएं। और आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की, कल 12 बजे रिपीट चलेगी। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। किचन में चलेंगे, रेसिपी करेंगे, स्टार्ट साथ साथ बातें भी करते रहेंगे। अच्छा, वैरायटी जेका भी तव्हां खणो, जेका तव्हांखे सुठी लॻे, मां हिते छा छा यूज़ कयां पियो उहो सॼो तव्हांखे ॿुधाई छॾंदमि, ठीकु आहे। ऐं हिनखे हिनमें तव्हां चिकन जी बि एडिशन करे सघो था। चिकन पकौड़ा बि इनशाला आहिनि मेन्यू में, हिकु ॿ ॾींहनि में उहो बि ठहंदा। त बेसण जेको आहे उहो बिल्कुलु सिंपल हिते ठहियलु आहे, कुझु बि हुनमें न विधो आहे। 3 कप खणो, 4 कप खणो, जेतिरो तव्हांखे बेसण सुठो लॻे, जेतिरी तव्हांजी नीड हूंदी एतिरो तव्हां बेसण खणंदा, ठीकु आहे। सावा मिर्च आहिनि हिते वॾा वारा, जर्मन मिर्च बि हिनखे चइबो आहे, हिन में मसालो भरिबो आहे, इहो आहे। ऐं हिन जे अलावा 2 अदद अंडा आहिनि बॉयल। अंबड़ियूं सीज़न आहे, गर्ल्स खाईंदियूं आहिनि छोकिरियूं शौक़ सां, अंबड़ियुनि जा बि पकौड़ा ठहंदा आहिनि, इहो बि ठाहे सघो था। पालक जा पता आहिनि, पालक जा पता, इहे बि 5 खां 6 खणंदासीं। भींडियूं, भींडियूं वॾे साइज़ जूं थोरियूं खणिजो, हिनखे कट लॻाइनि जे अंदरि हिकिड़ो मसालो भरिबो, इहो आहे। ऐं हिते आहिनि हिनजा रिंग, बसर जा रिंग, ठीकु आहे, इहे ठहंदा। ऐं वाङण आहिनि, हीअं स्लाइस में कटिंग करे हिनखे लूणु वारे पाणी में पिसाए रखियो आहे, ताकी फ्रेम थोरो हेॾा कंदो त ईंदो न स्क्रीन ते। ऐं हिन में आहिनि पटाटा, हीअ सभु पाणी में पिसाए रखिया आहिनि, बारीक स्लाइसिस कयल आहिनि, ठीकु आहे। बारीक स्लाइस कीअं में यार, ॾाढो इशू आहे हिते, हाणे ॾेखारो, ठीकु आहे। हे जेके आहिनि पटाटा ऐं वाङण जा स्लाइस करे हिते पाणी में लूण वारे पाणी में पिसाए छॾिजो, हिन खां कारा न थींदा आहिनि, ठीकु आहे। ऐं हिते आहे 3 खां 4 अदद पटाटा बॉयल थियल आहिनि, हुनखे मैश कयल आहिनि, हिन जा बॉल्स ठहंदा, मसालो विझी हिनखे बि असां फ्राई कंदासीं। ऐं पालक आहे, पालक खे बारीक कटिंग थियल आहे, थोरा सा पालक जा पकौड़ा थींदा, थोरा सा बसर जा पकौड़ा, डिफरेंट क़िस्म जो पूरो प्लेटर ठही वेंदो, ठीक है। प्लेटर बन जाएगा, पूरा प्लेटर में बनाता जाऊंगा। पालक है, चॉप की भी पालक के पकौड़े बनेंगे, प्याज है चॉप किया हुआ, प्याज के थोड़े पकौड़े बनेंगे, आलू 3 अदद बॉयल किए हुए, मैश किए हुए, बटाटा वड़ा जिसे कहते हैं वो बनेंगे। उसके अलावा बैंगन के स्लाइसेज हैं 4-5, आलू के स्लाइसेज हैं 4-5, पालक के 4-5 पत्ते हैं, हरी मिर्चें मोटी वाली ले लें। मसाला भरने के लिए भिंडी के पकौड़े बना रहे हैं, भिंडी को ही कट लगा के मसाला भर के बनाएंगे। केरी, गर्ल्स खाती हैं केरी के पकौड़े, अगर बनाना चाहें ऑप्शनल है, मैंने रखा है इसमें ये भी वैरायटी। और अंडे बॉयल हैं, बॉयल अंडों के पकौड़े बनेंगे, प्याज के रिंग बना के ऑनियन रिंग्स बनेंगे इसके लिए। और इसके अलावा एक थोड़े से पकौड़े डिफरेंट बनाएंगे, तो ये पूरा एक प्लेटर बनेगा, साथ चटनी बनाएंगे। बैटर यहाँ पर बना हुआ है, ये ज़्यादा बन रहा है तो उस हिसाब से 1/2 kg जितना बेसन लिया है, इसमें 1/2 चाय का चम्मच डाला है बेकिंग सोडा, ठीक है। इनमें आहे बेसन 0.5 किलो, अगर तुम घट मानू आयो तो 1 कप ठाजो, 2 कप ठाजो, उन हिसाब से शयूं खणजो, मां वधिक ठाया पियो तो इन करे ही 0.5 किलो जितरो है। इनके बाकी शयन में भी असं यूज करना सी, इनमें बेकिंग पाउडर या मिठी बेकिंग सोडा या मिठी सोडा तुम विझी छंदो, ठीक है। हाँ, इनके अंदर छा मसाला वेंदा, इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे वो हम डाल के इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसके हम डालेंगे अंदर थोड़ा सा जीरा,
एक चाय का चम्मच, ठीक है। नमक जाएगा इसमें एक चाय का चम्मच, और पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देंगे एक चाय का चम्मच। बस सिंपल सा ये बनेगा, और इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। एक चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च, ये सब चीज़ें इसमें डाली। और इसका मिक्सचर अगर पतला करना है थोड़ा, देखते हैं, तो उसमें फिर मैंने थोड़ा सा इसमें डालूँगा पानी, थोड़ा इसको पतला करेंगे लिक्विड को, थोड़ा इनमें पानी विझंदासीं, ठीक है। पानी पंहिंजे हिसाब सां विझिजो, इलाही वधीक पतरो न थी वञे, कि कंहिं शइ जे मथां कोटिंग न पई थिए, एतिरो बि न थिए, ठीकु आहे। अच्छी तरह इसको हमने घुमाना है, कंसिस्टेंसी इसकी देखें इतनी हो कि ये एक लेवल में गिर रहा हो, थोड़ा सा पानी इसमें और जाएगा बस, ठीक है। एक लेवल में गिर रहा हो, इस तरह होना चाहिए बेसन, ताकि इसके ऊपर कोटिंग अच्छी सी आ जाए, ॾिसो, ठीक है। बेसन तव्हां पंहिंजे हिसाब सां खणंदो जेतिरो तव्हांखे खपे, ठीक है। अपने हिसाब से अपने बेसन लेना जितना। ये हो गया हमारा एक मरहला पूरा। अब हम आते हैं मसाला बनाते हैं, जो हम भरेंगे भिंडी के अंदर, भिंडी और हरी मिर्चों के अंदर भरेंगे, ठीक है। इसके लिए हमने लेना है यहाँ पे, पहले हम लेते हैं NX का ग्राइंडर, इसमें हम डालेंगे धनिया साबित। कॉल वटूता, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, नहीं नहीं, कल भी 3:30 ही था, पहले 4 का अनाउंस किया हुआ था, लेकिन वो चेंज हो गया टाइम, 3:30 से 4:30 है, और दूसरे दिन सुबह 12 रिपीट है। 12 मैंने देखा था। आज क्या बना रहे हैं? आज पकौड़ा प्लेटर बना रहा हूँ पूरा। अच्छा जी, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी थी, मैं आपको पिक्चर भेजती होती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, कोई फरमाइश करनी है? अच्छा बनाते हैं आप, बहुत अच्छी रेसिपी होती है आपकी। थैंक यू, रमजान की मुबारकबाद। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। 4 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है साबित धनिया, और 2 खाने के चम्मच सफ़ेद जीरा। 4 खाने जा चम्मच साबित धाणा, 2 खाने जा चम्मच अछो जीरो विधो, इनके ग्राइंड कंदासीं। साबित धनिया 4 खाने के चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, इसको ग्राइंड कर लें या कूट लें, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद हम इसमें मसाला मिलाना शुरू करेंगे। अब इसमें डालेंगे चाट मसाला, कितना? 2 खाने के चम्मच, 1 और ये 2 खाने के चम्मच, 2 खाने जा चम्मच चाट मसालो, 1 चाय जो चम्मचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच चाट मसाला, नमक 1/2 चाय का चम्मच जाएगा, क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, ठीक है। ये डाला, और काला नमक 1/2 चाय का चम्मच जाएगा, काला नमक 1/2 चाय का चम्मच, इसको मिक्स किया, ठीक है। साबित धनिया 4 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, उसको ग्राइंड कर दें या कूट लें, फिर प्याले में डाल के 2 खाने के चम्मच या 3 खाने के चम्मच भर के चाट मसाला डालेंगे, 1/2 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 चाय का चम्मच काला नमक। अब हम डालेंगे लेमन जूस इसमें, तकरीबन 3 खाने के चम्मच, ठीक है। खटाई के लिए लीमे जो रस 3/4 खाने जा चम्मच विझंदो। हे मसालो असांजो तयार थी वियो। 4 खाने जा चम्मच साबित धाणा कुटे वठजो, 2 खाने जा चम्मच अछो जीरो कुटे वठजो, 1 चाय जो चम्मचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, 1/2 चाय जो चम्मचो सादो लूण, 1/2 चाय जो चम्मचो कारो लूण, चाट मसालो 2/4 खाने जा चम्मच, लीमे जो रस 2/4 खाने जा चम्मच, बस इन जो पेस्ट ठाही वरितो, ठीक आहे। ऐं हाणे छा कंदासीं, हिते असां खणंदासीं साबा मिर्च, इनके कट लॻाईंदासीं, ठीक है। हरी मिर्च को एक साइड से कट लगाएं, ताकि मसाला भरने में आसानी हो जाए। इस तरह, ये जर्मन मिर्च है, बहुत तेज़ नहीं होती है, और मसाला भरने में ये बहुत मज़ेदार होती है, ठीक है। ये हो गई भिंडी, ले लें भिंडी को एक साइड पे कट लगाते जाएं, और ये मसाला भरेंगे इसके अंदर, और फिर इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। पहले सारी सेटिंग कर लेते हैं हर चीज़ की, उसके बाद हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। आवाज़ थोड़ी, तानियो वॉल्यूम बिल्कुल घट है, मुझे समझना पे छापे जाओ। हेलो, कॉल आया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक है आदा? अल्लाह जो शुक्र है, नम तां बुधायो छा हालनि? आदा ठीक है आदा, तां कोरी सिंगे सलाम। वालेकुम सलाम आदा, पकोड़ा खाया था, दिसन जो प्रोग्राम पान जो, ठीक का, को फरमाइश करनी है, कुछ पूछना है? जी आदा, मुझे क्रिया कितनी बार फरमाइश करनी है आदा, फरमाइश किया है, जिरी करे ने कितने कितने थे,
छाछे वाली बुधाई जो करेला ने देखो था चिकन किंगडम चिकन करेला वो तो मैं ठाई चुको है लास्ट मंथ फरमाइश है बस आने ता पेज ता रिसीव जो छकन ता रमजान में नथा ठाई सकू करेलन जी रेसिपी ता मुझे पेज ते रिसीव जो चिकन करेला अच्छा अच्छा अदा आई जो मुझे पूछना होता जैसे बूंदिया दही बड़ा सुन नहीं है केड़ा दही बड़ा बूंदिया वाला जैसे बंबई दही बड़े ठीक है जी अदा और मतलब उन जो जो आम दही बड़ा पांच महीना उन्हें खाली रेसिपी है ना चेंज हुंदी है जाहिर है जदे नालो हर्षे जो चेंज हुंदो है तो उनमें हर्षे चेंज हुंदी है अब ये भिंडियों में भी भरेंगे मसाला ठीक है भिंडी में कट लगाया हुआ हरी मिर्चों में भर दिया भिंडी को कट लगा के उसमें भी ये मसाला भरेंगे और फिर इसको डीप फ्राई करेंगे ऑयल गरम करके मज़ेदार ये रेसिपी पूरा प्लेटर बनता है इस तरह भिंडी नहीं पसंद तो आप ना डालें फूल गोभी भी डालना चाहते हैं फूल को कॉलीफ्लावर जो होता है उसको आप बॉयल करके उसको भी आप ऐड कर सकते हैं ठीक है फूल गोभी भी विझी सको था उनमें तहाँ उनके बॉयल करें हाँ ही मसालो जो है जो बची वे मसालों तुम फ्रिज में रखी छोड़ो बेरी मिर्चन में भरे मिर्च तो ठाईंदा ही होंदव पकौड़न जा तो उनमें ही भरे सको था ठीक है ये भिंडियाँ हो गई हमारी तैयार अब यही मसाला हम डालेंगे किस में आलू के मिक्सचर में ठीक है ये आलू का मिक्सचर है ये मसाला इसमें से थोड़ा कम कर रहा हूँ इसी मसाले का 3 खाने का चम्मच हम लेंगे ठीक है इन्हीं मसाले जो 3 खाने जो चम्मच असा खणंदासी ठीक है ये मैं अलग कर रहा हूँ अब ये 3 खाने के चम्मच जितना मसाला है आलू है हमारे पास 3 अदद छोटे या 2 बड़े आलू बॉयल किए हैं इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे कॉल बैठूँ तो अस्सलाम वालेकुम रमजान मुबारक हुजे तव्हांखे ख़ैर मुबारक अदी थैंक यू महिरबानी अदी ब्रेड रोल मुझे आहे लिस्ट में ना नेक्स्ट वीक में आहे ही वीक जी मां पेज ते मेंशन कयल 7 रमजान का पो जेके वरी 14 रमजान ताई जेको पूरो वीक हुंदो हुनमें ब्रेड रोल आहिन ठीक आ हिन वीक में असल में मां सॼो मेंशन करे छॾियो आहे पंहिंजे पेज ते मेन्यू ठाहे ॾिनो आहे की हिन वीक में हे शयूं ठहंदियूं हाणे हिनखे चेंज कंदमि त सभु वरी इंतज़ार में जेके हूंदा आहिनि त इनशाला 8 रमज़ान ते मां तव्हांखे ठाहे ॾींदुमि अगरि तव्हांखे खपे त मूंखे मैसेज करे छॾियो मां तव्हांखे रेसिपी मोकिले छॾंदुमि हुते हा न पोइ तव्हां जल्दी ठाहे वठिजो ठीकु आहे दी ओके दी थैंक यू अलाह हाफ़िज़ अब ये हो गया हमारा यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है ठीक है वही मसाला अगर आलू के सिर्फ बॉल्स बनाना चाह रहे हैं तो 1 खाने का चम्मच साबित धनिया 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच चाट मसाला इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर दे थोड़ा सा लेमन जूस उसमें 1 खाने का चम्मच डाल दे थोड़ा सा नमक कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच आलू बॉयल करके मैश करके उसमें मिला लें इस तरह भी आप कर सकते हैं ठीक है पटाटा खणो 3 अदद अगर हे मसालो वधीक नथा ठाही सघो त पोइ अगरि सिर्फ़ पटाटनि जा बॉल्स ठाहिणा आहिनि बेसण में डिप करे त पोइ हुनमें 2 कप जेतिरा पटाटा बॉयल मैश कंदो हुनमें कुटियल ॻाढ़ा मिर्च अधु चांहि जो चमचो ज़ीरो 1 चांहि जो चमचो कुटे विझिजो साबित धाणा 1 खणी जो चमचो कुटे विझिजो थोरो लूणु विझिजो लीमे जो रस विझी हुनमें मिक्स करे छॾिजो 1 चांहि जो चमचो हिन जा बॉल्स ठाही पोइ हुनमें फ्राई कंदा हे सभु शयूं तयारु थी वियूं आहिनि ऐं हाणे असां छा कंदासीं हिते हिनखे फ्राई करणु शुरू कयूं था ठीकु आहे ऑयल जैसे गर्म होगा तो हम सब चीज़ें फ्राई करना शुरू करते हैं बॉल्स में बना लेता हूँ पानी थोड़ा हम ले लेते हैं हाथ हल्का सा गीला करके इसके बॉल्स भी बना लेते हैं ये देखें इस तरह इसको कहते हैं बटाटा वड़ा ये भी इंडियन रेसिपी है बम्बई वगैरह साइड की होती हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा होती हैं और ये बहुत मज़े के लगते हैं इस तरह के बॉल्स आप बना लें ठीक है हे ॾिसो बॉल्स मैं थोड़ा पानी खणी थो वठां इनके तव्हां ठाहींदो बॉल्स खे हथ आला करी तई चिंबड़ंदा ना हिन में 6 बॉल्स ठही वेंदा आराम सां ठीकु आहे 5 खां 6 बॉल्स नंढा करी ठाहींदव त पोइ तव्हां हिन में 6-8 बि ठाही सघो था लेकिन नॉर्मल जीअं कोफ़्ते जो साइज़ हूंदो हुन तरीक़े जा हे बॉल्स ठहंदा मां हिते 5 ठाहियां पियो प्लेटर जे हिसाब सां ठीकु आहे 5 से 6 बॉल्स और अगरि छोटे बनाएंगे तो 8 बन जाएंगे
बहुत मज़े के बनते हैं ये। इसमें हरा धनिया डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। बस जैसे ऑयल हमारा गर्म होगा सब चीज़ें फ्राई करना शुरू कर देंगे। अच्छा, जब आलू के हम पीसेस और वो जो बनाएंगे बैंगन, तो उसमें चाट मसाला छिड़क के ऊपर डाल के और उसके बाद हम उसको फ्राई करेंगे। ये ना हो कि अंदर से बैंगन बिल्कुल फीका निकल रहा, आलू बिल्कुल फीका निकल रहा। और नमक के पानी में डिप करके रखें। एक बॉल बड़ा ले लें, उसमें नमक का पानी यानी एक चाय का चम्मच नमक मिक्स करके पानी में, और फिर आप उसमें भिगोएंगे तो बैंगन में टेस्ट रहेगा, वरना फीके होंगे। ठीक है, हे बॉल्स थी विया हाँ मैं इतने फ्राई करना शुरू कर दम ब्रेक जी भी मुख्य लगे तो कॉल अच्छी वही है अलग छा, लेकिन आए ना माँ ही सब शयूँ ठाहिन फ्राई करना शुरू कदम छा कर टाइम बचे। अच्छा, बेदा बदत खाइन बॉयल कंदासी, बॉयल करे सख्त बॉयल करे छिले जब भी असा पकौड़ा ठाहींदी डिप करे इन मिक्सचर में उनका कढ़ी उन पीस कबा। ठीक है, ऑयल चंगो टेम्परेचर से गर्म थी उनका चटनी भी ठानी जी। अब जैसे ऑयल गर्म होगा इस मिक्सचर को अच्छी तरह फिर मिक्स करें। अच्छा, इसमें बेकिंग सोडा डला हुआ है, ठीक है, तो ये फूल गया है, थोड़ा खमीर बन गया है जी। ब्रेक तो क्या, ठीक है, ब्रेक पे जा रहे हैं। ठीक है, ब्रेक के दौरान मैं इनको फ्राई करना शुरू करता हूँ। ब्रेक तो उनका काटे मैंने जो शॉर्ट ब्रेक होता है, ब्रेक का पूछिए रेसिपी कंटिन्यू करना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते उनका पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके पकौड़ा मां ठाहिया पे भिंडीनि जा ऐं साए मिर्चनि जा, हिन में डिप करे मां ही फ्राई करण लाइ रखी छॾियां। ठीकु आहे, हरी मिर्चें और भिंडी जो थी उसमें मसाला भरा था उसको डिप कर दिया है और ये फ्राई होगा, इसका कलर आता जाएगा तो इसको निकालते जाएंगे। तेज़ चूल्हे पे तेज़ आंच पे आपने करना है, लेकिन इतना गर्म ना हो टेम्परेचर के इसमें से धुआं निकल रहा हो। ठीक है, वो फिर क्या होता है अंदर से कच्ची रह जाती हैं चीज़ें, ऊपर से डार्क हो जाती हैं। तेज़ गर्म होना चाहिए लेकिन टेम्परेचर उसका नोट किया करें। अगर आपको लग रहा है धुआं निकल रहा है ऑयल के अंदर से तो फिर उसका चूल्हा थोड़ा मीडियम कर लिया करें। ठीक है, जडी ॾिसंदो चूल्हे ऑयल में धुओं पियो निकिरे इलाही गर्म थिए पियो त फौरन चूल्हे खे हल्को करे छॾंदा कयो। ऑयल गर्म हुजणु खपे लेकिन टेम्परेचर जो आउट न थिए, वधीक गर्म न थिए। ठीक आहे, हाणे जीअं ई भिंडियूं ऐं सावा मिर्च फ्राई थींदा हिनखे कढंदासीं, पोइ वाङण आहिनि हुनखे फ्राई कंदासीं हिन तरीक़े सां, पोइ पटाटा आहिनि हुनखे फ्राई कंदासीं। पूरो प्लेटर ठहंदो, ज़रूरी न आहे कि छह छह मिर्च चार चार मिर्च ईअं हुजनि। अगरि तव्हां ॿ माण्हू आहियो त हिकु हिकु ॿ ॿ शयूं पंहिंजे हिसाब सां कजो, मिक्सचर पंहिंजे हिसाब सां पोइ घटि करे ठाहे वठिजो। हे आइडिया हिकिड़ो तव्हांजे लाइ बहितरीन आहे, पकौड़ा प्लेटर पूरी फैमिली जीअं माशाल्लाह वेहंदी आहे त हुननि लाइ हिकु हिकु जे हिसाब सां हर शइ हुजे, जीअं हिकु पटाटो, हिकु वाङण आहे, हिकु साओ मिर्च आहे, हिकु भिंडी आहे ऐं थोरा पकौड़ा आहिनि, बेदा आहिनि, त बेदा ॿ खणी हुजे, चार पीस कजो त अधु अधु पीस आराम सां सभिनी खे अची वेंदो। ठीकु आहे, ऐं बॉल्स बि ठाहे सघो था, अहिड़ी अभी सस्ती शयूं आहिनि, अहिड़ियूं महांगियूं बि न आहिनि, आराम सां तव्हां इहे प्लेटर्स ठाहे सघो था। सुभाणे इनशाला फ्रूट चाट ठाहींदासीं, टे क़िस्म जा चाट ठाहींदासीं। हिकु केलनि जी चाट ठाहींदासीं, मज़ेदार हूंदी आहे। हिकु असां ठाहींदासीं फ्रूट चाट मिक्स फ्रूट जी, हिकु ठाहींदासीं क्रीमी फ्रूट चाट। पोइ परीं वरी छोलनि जी चाट आहे, उहा चाट जेको ॿाहिरि ठेलनि ते मार्केट में मिलंदी आहे, जंहिंमें दही बड़ा बि हूंदा आहिनि, मिठी चटणी बि हूंदी आहे, साई चटणी बि हूंदी आहे, मिठी दही बि हूंदी आहे। छोलनि जी पूरी हिकिड़ो मेन्यू, पूरी चाट जेको प्लेट खाईंदा आहियो शौक़ सां वञी, उहो पूरो प्लेटर तव्हांखे ठाहिणु सेखारींदुमि। हिन तरीक़े सां पोइ अॻियां काफ़ी सारी वैरायटी आहे ऐं जेका शइ सम्झ अचे पई तव्हां मुंहिंजो पेज ते ॾिसो त पूरो मेन्यू विधल आहे पूरे वीक जो। ऐं पोइ मुंहिंजे हमें सुभाणे फ्रूट चाट आहे सूमर जो, अंगारे वारे ॾींहुं आहे छोलनि जी चाट, ऐं अरबा वारे ॾींहुं चिकन पकौड़ा ठहंदा, अचारी चिकन पकौड़ा। ठीक आहे, उहो बि ॾाढी ज़बरदस्त रेसिपी आहे। सभु आहिस्ते आहिस्ते हिन तरीक़े सां सॼी रेसिपी तव्हांखे शेयर कराईंदासीं। ठीकु है, कल हम बनाएंगे फ्रूट चाट, क्रीमी फ्रूट चाट और एक बनाएंगे बनाना चाट। ठीक है, तीन चाट्स बनेंगी कल। फिर परसों बनाएंगे छोलों की चाट जो हम खाते हैं मार्केट्स में जाके, जिसमें दही बड़े भी होते हैं, सारी मिक्स चटनियाँ होती हैं, प्लेट पूरी जो खाते हैं चाट की, वो वाली बनाना सिखाऊंगा परसों। फिर उसके बाद वेनसडे को हम बनाएंगे अचारी चिकन पकौड़े और उसके साथ देखता हूँ कोई एक चीज़ और बनाएंगे। फिर उसके बाद में हमें दही फुल्कियाँ हैं दो किस्म की, वो मीठी और हरे मसाले वाली। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी रेसिपीज़ बनाती जाएंगे। ठीक है, ये देखें हरी मिर्चें और भिंडियाँ हमारी हो गई हैं फ्राई। ये टॉवल टिश्यू मिलता है ये वाला लेके रखें, खुशबू वाले जो टिश्यू होते हैं वो यूज़ ना किया करें। ठीक है, किचन रोल मिलते हैं ये लेके रख लें, एक शीट लगा दिया करें इसकी। अब ये हो गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बटाटा वड़ा इसको चम्मच से निकालेंगे। ठीक है, ये बॉल्स ठाया चूल्हे जो टेम्परेचर थोड़ा घट गया था, इसको डाला बेसन में
और इसको चम्मच से मिक्स करें, चम्मच से मिक्स करके और चम्मच से उठाएं, हाथ पे ही चिपक जाएगा। ठीक है, इस तरह ये बॉल आ गया हाथ में। यूं करके आराम से एक्सेस इसका हटाएं और इसका मिक्सचर हटाने के बाद इसको यूं साइड में डाल दें। ये तरीका होता है, अगर हाथ से आप करेंगे हाथ पे पूरा चिपक जाएगा आपके। ठीक है, इसको आराम से बैटर डालें इसके ऊपर, नीचे से यूं छोटे टेबल स्पून से इसको उठाएं, उठा के एक्सेस जो होता है ये साइड इसके निकाल लें। ठीक है, इस तरीके से इनके वो कढ़ाई में भी जंदा बनो। ठीक है, ये बॉल्स असांजा ही एक्सेस इन जो लाइन था बनो। ज़बरदस्त रेसिपी आ ही भी, सिर्फ अगर प्लेटर न था ही बॉल्स भी अलग सा ठाई सको था, सावा मिर्च गड रखी इन तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पूरे पकौड़न की वैरायटी अजमा ठाई छी है। बाकी इंशाल्लाह बया भी पकौड़ा इन काफ़ी सारी वैरायटी में तो विच में ठाईंदा रहंदा से। ठीक है, कॉल वठूँ था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैसल भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपको रमजान मुबारक। खैर मुबारक, आपको ही मुबारक हो। खैर मुबारक जी, कुछ कहना चाहेंगी फैसल भाई? मुझे ये फरमा चली थी जो आज जर्मन मटन मर्ग बना रहे हैं ना आप जी, तो ये कीमे वाली भी बनाए और चीज समोसा भी बनाए। क्या कीमे वाली बनाऊं, पकोड़े? ये जर्मन नहीं, जर्मन जर्मन मिर्च जी, कीमे वाली ये बनाऊंगा, कीमे वाली और इसके ऊपर समोसे की पट्टी लपेट के वो मिर्ची रोल बोलते हैं वो बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो मेन्यू में है मेरा, मैं इस वीक में है या अगले हफ्ते, तो वो जरूर देखिएगा। ठीक है, आप जरूर बनाना, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। जी जी, कौन से सिटी से बात कर रही हैं? मैं कराची से। कराची से बात कर रही हैं? जी, करीमाबाद से। ठीक है ठीक है, मैं इंशाल्लाह बना दूंगा इस हफ्ते में या ऊपर वाले हफ्ते में, कमिंग हफ्ते में। ठीक है, जरूर बनाऊंगा। और चीज बॉल्स कह रही है, चीज पकोड़े कह रही है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मैम चीज बॉल्स कह रही थी, ठीक है बना देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, प्लेटर उठाते हैं और साथ साथ प्लेटर में चीजें रखना शुरू करता हूँ ताकि टाइम की बचत को देखते हुए। पानी इसका ड्राई करके, ठीक है प्लेटर ठाण शुरू क्यों था, इसका चटनी भी बनानी है और टाइम के हिसाब से हर चीज़ कंप्लीट भी करनी होती है। टिशू लगा के अच्छी तरह साफ़ करके प्लेटर में, पकोड़े वगैरह हमेशा गीले प्लेट में ना निकाला करें, फिर वो नरम हो जाते हैं। बिल्कुल ड्राई करके प्लेटर, इसको एक मिनट बाद निकालेंगे। ये देखिए मिर्चें, ठीक है, ये चार मिर्च थी वह है, थी वह भिंडियों, ये हो गई भिंडी। ठीक है, ये हो गया भिंडी पकौड़ा, गरम है बहुत आराम से एहतियात से। अब इसके बाद हम बॉल्स निकालेंगे, क्योंकि अंदर से कच्चे नहीं हैं बॉल्स, ऊपर से जस्ट कलर बेसन का कच्चापन ख़त्म करना होता है। ये हमारा बटाटा वड़ा कहते हैं इसको, ये बेसन के बहुत मज़े के बॉल्स बनते हैं। ये हो गया, ये भी ठंडे हो जाए तो इसको भी निकालते हैं। अब क्या करेंगे, आलू लेंगे, आलू के ऊपर लगाएंगे चाट मसाला। फिर इसको आलू खाएँ जो मतलब चाट मसाला लगाई चलो। ठीक है, चाट मसाला लगाया, इस तरह बैंगन बेसन में डाला और इसको फ्राई करते जाएं। अगर बच्चों के लिए है तो फिर सादा। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? रिया से गल आया, उमरकोट मां हाल जी। आता छा लेना दी, ता ठीक कयो? हां ता ठीक कयो दा। हेलो, रमजान मुबारक दा। खैर मुबारक, ता के मुबारक जी। अता रेसे भी सुची रखायो, यगे भी ता खाई भी असान लिखेला। केड़ी ही हे जेके पकोड़न जी बॉल्स जेके ठाई हुन? जी जी हां, हे मैं पेरी ठाई चुको हां। अदा न मुखे न उ से तवा उते खरो कचोरी चाट। कचोरी चाट, ठीक आ, कटोरी चाट? कचोरी 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 चाट। हेलो, ठीक आ, हिकड़ी कटोरी चाट भी हुंदी आ, हु पापड़ी जी जी बेसण जी कटोरी उठांदी हन, त ओ मैं समझ हो छपा। ठीक आ, कचोरी चाट, ओ न कचोरी चाट। ठीक आ, थोड़ो वेट कजो, 10-15 दिन में इंशाल्लाह ठाई देंदम। ठीक आ, हां पर हनी में मंथ में ठाई जोदा इंशाल्लाह। हां, रमजान में ही ठाईंदम। ठीक आ, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ये इस तरह फ्राई होते जा रहे हैं, जैसे ही निकलते जाएंगे। अब बैंगन को लेंगे, इस तरह कोट करते जाएं और ये भी उतारते जाएं इसमें। ठीक है, बैंगन को नमक के पानी में डिप करके रखें। ठीक है, फिर बहुत मज़े के बनते हैं ये, वरना वो फिर अंदर से फीके रह जाते हैं। ठीक है, वांगण जो हैं उनके तां लूण वाले पानी में पिसाए रखो अधु कलाक, उनका पोइन के ठाईंदो तब बेहतरीन तांजा ही ठांदा।
अच्छा जामी शिरी असा गड है करछी जो जामी शिरी इलायची के फ्लेवर में गुलाब के फ्लेवर में ये तीस सो तो मार्केट में अवेलेबल है। मिनरल वाटर है यो स्प्रिंगले मिनरल वाटर है यो ती सोता ठीक है मार्केट में अवेलेबल है इन सब शूँ करछी जामी शिरी ही इलायची फ्लेवर में है साओ वो ये जो है गाढ़ो गुलाब के फ्लेवर में है इनके खीर से गड भी ठाई सोता है लस्सी में भी ठाई सोता तमाम सुठो इनो जायको तमाम सुठी इनकी ड्रिंक्स ठंदी इनके आइसक्रीम्स वगैरह में भी यूज़ कर सोता। ये हमारे आलू के पकोड़े और फिर उसके साथ बैंगन के ये फ्राई हो जाएं जब तक हम बॉल्स निकाल लेते हैं। ये देखें पूरा प्लेटर बनता जा रहा है मज़ेदार सा ठीक है हर चीज़ आपके सामने बनाता जा रहा हूँ उस तरह निकालते जा रहे हैं। केरी के पकोड़े इसके बाद फिर प्याज के रिंग्स हैं पालक हैं फिर उसके बाद हम अंडों कप करते हैं ठीक है अंडों को छील के और उसके बाद एक चटनी बनेगी और थोड़े से पालक के पकौड़े बनाऊँगा थोड़े से प्याज के पकौड़े। बिल्कुल आसान है रेसिपी इन तरीके से तुम पूरा प्लेटर ठाए जो मज़ेदार ही तुम प्लेटर ठंडो ठीक है। बैंगन को भी अच्छी तरह फ्राई करें डीप फ्राई करना है शैलो फ्राई ना करें तो डीप फ्राई से क्या होता है कि बहुत अच्छा ऑयल में ये फ्राई हो जाता है। जेस तीन असो फ्राई थे पो हाँ ठाकू था पालक जा पकोड़ा ठीक है पालक के पकौड़न ला इनमें पालक वधीक है मैं थोड़ी घट क्या पे बस प्लेटर ला ठाणी है थोड़ी सी एक कप पालक ले ली इसी में से हम बैटर ले रहे हैं ठीक है बैटर बहुत ज़्यादा है तो इसी को लेके आप अपने हिसाब से थोड़ा बेसन डाल दें मैं यही वाला मिक्सचर ले रहा हूँ ठीक है इसको हमने मिक्स कर लेना ये बन जाएंगे पालक के पकौड़े। इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करूँगा चाट मसाला आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया ठीक है और इसको हमने मिक्स कर दिया बस और कोई चीज़ नहीं सिर्फ चाट मसालो कुटियल गाढ़ा मिर्च आई पकौड़न जो मिक्सचर में वहीं गाढ़ा मिर्च लूण पैल हो ठीक है ये हो गया हमारे पालक के पकौड़े। ये भी इसी प्लेटर में आप अलग से बनाना चाहें तो आप बना सकती हैं। इसी तरह प्याज के पकौड़े प्याज है एक प्याज ले लिया इसको छोटे छोटे वो बना लिए थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच और एक चाय का चम्मच इसमें मिला दिया चाट मसाला इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह ठीक है एक चाय का चम्मच चाट मसाला आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च मिला दी इसको मिक्स कर दिया। इसके बाद इसमें भी हमने मिक्सचर डाल देना है कौन सा बेसन का ये हो जाएंगे हमारे प्याज के पकौड़े ठीक है इसको भी मिक्स करते हैं। अब ये बैंगन वगैरह मैं निकालना शुरू कर रहा हूँ आलू हमारे हो गए तैयार पटाटा कटी था ठूँ थोड़े के मथे रखासी टिशू जे ताकि इनो ऑयल एक्सेस निकली वे कॉल वूँ तो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी सदा। जी जी अचे पे कह रहे कितना गलाओ पया सदा कह रहे हूं कराची मां जी कुछ चैन चाहिंदो अदा ये को मिक्सचर कर खायो पकोड़न जो जी जी ने में चा चा ऐड थी वता अदी इन में बेसन त मा विधो अध किलो वधिक ठाइला ता घट भी कर सको ता पीठल गाढ़ा मिर्च विझ जो एक चाय जो चमचो लूण एक चाय जो चमचो अध किले जे हिसाब सा ठीक है मीठी सोडा सफा थोड़ी पांजे हिसाब से थोड़ी विझी छो चाट मसालो एक चाय जो चमचो बस बो कुछ भी ना विधो इनके मिक्स करे कढ़ी वो अध कलाक रखने का पोता इन में पकौड़ा ठाए जो ठीक है ठीक है दी नोट करे तो वठा कोशिश कंदासी रमजान का पहली ठाई वठू रमजान में ही ठाई वठा ठीक है दम पुख पुलाव चो पया चिकन वारो ओके ठीक है बैंगन भी हो गए इसको भी निकाल लेते हैं अब हम क्या करेंगे अब इसमें बनाएंगे पालक के पकोड़े थोड़ो इनके छाणी का कढ़ी था उठूँ जो इनमें पीसेस अचन पे वो कढ़ी वठना करो ठीक है पालक के जो पकोड़े हैं इसको हाथ से मिक्स करें थोड़े थोड़े प्लेटर के हिसाब से बना रहा हूँ ठीक है मिक्स किया और इस तरह आप डालते जाएं ग्रीन शेड में बनेंगे मज़ेदार पालक के पकौड़े ठीक है पूरे प्लेटर की चीज़ें हैं थोड़े थोड़े बना रहा हूँ पांच पांच पकोड़े छः छः पकोड़े इस तरह ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे प्याज के पकोड़े जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ड्रिंक भी बनानी है और मैंने इसकी चटनी भी बनानी है एक ज़बरदस्ती हरी चटनी बनेगी प्लेटर की। अभी हमारी पालक बाकी है पालक इसके बाद बना डालते हैं इसमें तो ये असो थी वांगण ये बैंगन हो गए ठीक है कितना खूबसूरत लग रहा है प्लेटर आप खुद देख रहे होंगे हर चीज़ इसमें आती जा रही है
इसको फ़ौरन नहीं चम्मच चलाना, पालक का पानी निकलेगा। अगर फ़ौरन चम्मच इसमें चलाए तो बेसन अलग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा इसको पकने दें, थोड़ा पालक का कलर डार्क होगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज के पकौड़े। थोड़ा सा इसमें और डालते हैं बेसन। ये थी भैया बसर जा पकौड़ा, उनका पालक फ्राई कंदासी, अनियन जा रिंग। अब अनियन के रिंग डालते हैं, ठीक है। प्याज के रिंग ये भी ऑप्शनल हैं, पसंद है तो डालें, नहीं पसंद तो ना डालें, लेकिन ये खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। इस तरह ये रिंग बनाते जाएँ, बड़े प्याज के 20 से 2 करके स्लाइसिस कर लें तो ये रिंग बन जाते हैं, ठीक है। इसको भी डिप किया, ये डाल दिया। साथ साथ ही हमारे 4-5 रिंग बन गए, मज़ेदार हमारे पकोड़े तैयार हो रहे हैं, ठीक है। हाणे इनके कटंदासी, पालक जे पकोड़न के पोसा फ्राई कंदासी, कीड़ा पकोड़ा इनमें। ये देखें पालक के पकोड़े भी मेरे हो गए तैयार, इसको भी मैं निकाल रहा हूँ, ग्रीन शेड आ रहा है जी। अच्छा ब्रेक थे बनू प्या, इनका वो बसर जा पकोड़ा ठाया पे हो आई, पालक जा पत्ता, ठीक है। पालक के पत्ते उठा के इसके अंदर डिप करके बस फ्राई करना है। प्याज के पकोड़े इसमें फ्राई कर रहा हूँ, ब्रेक पे जा रहा हूँ, उस दौरान मैं ये फ्राई करूँगा। ब्रेक के बाद आके हम ड्रिंक बनाएंगे, जामी श्री कर्शे जामी श्री की, और एक हरी चटनी बनाएंगे। लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजिम, ब्रेक थे का पहले सामू जो पकौड़ा तैयार थे पे। हाँ सिर्फ बसर जा रेजिमेंट, ठीक है। मैंने पालक भी डाल दी इसमें, एक एक पत्ता उठा के डिप किया और पालक के भी पकौड़े निकल गए। रिंग आपने देख ली, प्लेटर में आप देख सकते हैं, और ये हमारे पालक हो गए। इसके बाद हम प्याज के पकौड़े निकालते हैं, साथ साथ हम ड्रिंक बनाते हैं और एक चटनी बनाते हैं मज़ेदार से इसके साथ, ठीक है। टिश्यू एक और रख लेते हैं ताकि इसका ऑयल निकलता जाए। ऐसा ही पालक भी तैयार थी भाई, कितना खूबसूरत आ रहा है कलर इसका। और इस तरह आपने इसको निकालना है। अंडे दे दे मुझे, बैठिए। अंडे रह गए थे, 2 बॉयल अंडे हैं, ठीक है। इसको भी डालते हैं स्पून से, इसमें मिक्स करें और मिक्स करके इसको भी इस कोट करके स्पून से इसको या हाथ से कर लें। इसको हमने इस तरह करके इसमें डालना है, ठीक है। ये अंडा 1 बॉयल, सख्त बॉयल होने चाहिए, गर्मी है नहीं पसंद, वैसे ही प्लेटर में होते हैं, आप भले ना बनाएं। 2 अंडे चले गए और इसी के साथ हम बनाएंगे प्याज के पकोड़े, ठीक है। प्याज था, प्याज उठाया, हाथ से बनाने प्याज के और पालक के पकोड़े क्योंकि लच्छा है और फिर ये बनता नहीं। चाइनीज़ पकोड़े बनाएंगे, बहुत चाउमीन पकोड़े बनते हैं बहुत मज़े के, वो भी इंशाल्लाह मेन्यू में हैं तो जल्दी वो भी बना दूंगा कमिंग वीक में। क्या ये थी वह बसर जा पकौड़ा, प्लेटर सा जो कंप्लीट थी वो। और अब आते हैं चटनी के, ठीक है। चटनी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एनेक्स का जूसर ब्लेंडर, ठीक है, एनेक्स जो खंडा से जूसर मशीन, बिल्कुल सिंपल और मज़ेदार चटनियाँ हैं, ठीक है। इसमें डालेंगे इमली का पल्प 1 कप, हरा धनिया पुदीना चाहिएगा इसमें, छुरी लेते हैं, 1 अदद हरी मिर्च, मोटी वाली है तो 2 डाल दें, तेज़ है तो 1 डाल दें, मैंने 1 और ये 2 बारीक वाली नहीं मोटी है, 2 अदद हरी मिर्चें, हरा धनिया 1 गट्ठी, ठीक है। और पुदीना साफ किया हुआ है, चॉप किया हुआ है 1 गट्ठी पुदीना, 1 गट्ठी फूदनो, 1 गट्ठी सावा धाणा, ठीक है, 2 अदद सावा मिर्च। ये बसर जा पकौड़ा भी असाएं तैयार थिया, इनके भी कटी था वठूँ, चुल्लो बंद कर था चलो। ये हो गए पालक के पकौड़े, ठीक है। प्याज के पकौड़े रह गए, वो भी निकाल लेते हैं। और ये 2 बॉयल अंडे,
यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और ये हो गए हमारे पाल प्याज के पकोड़े, इसकी भी जगह बन जाएगी यहाँ पे। पूरा फुल प्लेटर आपके सामने बना दिया मैंने, इनके रखूँ था टेबल थे प्लेटर के, ज़बरदस्त किस्म जो प्लेटर है। पूरो फैमिली ला दावत आए घर में, वधिक मेंबर्स आयो तो पो इन तरीके से तुम पंजो पूरो प्लेटर ठाई सको था, ठीक है। अब क्या करेंगे, हरा धनिया एक गट्ठी, पुदीना एक गट्ठी, एक कप मैंने इसमें डाल दिया है। क्या इसमें डाला है, इमली का पल्प। अब डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, चाट मसाला एक खाने का चम्मच भर के, काला नमक आधा चाय का चम्मच, हाथ से डाल रहा हूँ अंदाजे से, ठीक है। और उसके बाद डालेंगे सौंठ, जो अदरक का पाउडर होता है एक दो पिंच, ठीक है। ज़ीरा एक खाने का चम्मच, चीनी एक खाने का चम्मच। छाछा विधो, एक गठी सावा धाणा, एक गठी पुदनो, दस सावा मिर्च, एक चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, एक खाइण जो चमचो अछो जीरो, ठीक है। चाट मसालो ब खाइण जो चमचा कारो लूण, अध चाय जो चमचो, आई हुन जे अलावा मां हुन में विधो आ सोंड जे कहंदी आ अदरक जो पाउडर वो थोड़ो सो विधो आ, ठीक है। थोड़ा सा पानी डालूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, दो टेबल स्पून, क्योंकि इमली का पल्प गाढ़ा था तो इसलिए। असांजी थी वही चटनी तैयार, के करूँ तो बॉल में पकौड़ा प्लेटर की चटनी है। ये चटनी तुम घर में ठाई भी रखी सको था, काफ़ी सारे दिन तक हली सके थी, ठीक है। 15 दिन तक ये चटनी बिल्कुल सेट रहती है, आप इसको फ्रिज में रखें और यूज़ करें डेली, ठीक है। ये हमारी हो गई पकौड़ा प्लेटर के साथ चटनी। अब हम बनाते हैं ड्रिंक, करशी जामिशीरी। इसके लिए लेंगे हम मिनरल वाटर, टाइम भी बताई दो घणो अमाउंट। ठीक है, हम लेते हैं मिनरल वाटर जी, ठीक है। स्प्रिंगले पानी आए, स्प्रिंगले मिनरल वाटर है, ठीक है। स्प्रिंगले मिनरल वाटर ये हमने लेना है ग्लास में, और स्पून लेते हैं पानी विझंदासीं। पहिरीं मां अधु अधु विझां पियो, थधो करे विझिजो, ठीक है। और उसके साथ हम लेते हैं गुलाब में करशी का जामेश्री, ये आपने कितना डालना है, एक गिलास में 3 से 4 टेबल स्पून, ठीक है। इसको आप दूध में भी बना सकते हैं, सहरी में ठंडा दूध लें उसमें डाल के पिएं। इस सबगोल की भूसी एक चाय का चम्मच डाल दें दूध में, थोड़ा सा जामिशीरी डाल दें और या पिएं, सारा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी, बहुत अच्छी तासीर होती। लस्सी बनाएं सहरी में, उसमें आप ये डालें पिएं, सारा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी दही की लस्सी में, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इलायची वाली लस्सी, इलायची फ्लेवर में ग्रीन वाला आप डाल दें करशी का जामिशीरी, ठीक है। ये ज़बरदस्त रेसिपी, इनमें तुख मलंगो भी जी सको था, तुख मलंगे की तासीर बहुत अच्छी होती है, वो आप डालें, उससे ठंडक सी रहती है। और ये रमज़ान में आप बनाएं इसको, इसकी आइसक्रीम्स में भी, काफ़ी सारी चीज़ें मैं बनाऊंगा रमज़ान में, साथ साथ इसके यूजेज बताता रहूंगा। और पकौड़ा प्लेटर में कोई चीज़ आपसे मिस हुई हो तो कल 12 बजे रिपीट चलेगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हर रेसिपी रिपीट होती है 12 बजे हमारे चैनल पे। और मेरा चैनल बना हुआ है सिंध टीवी HD कुकिंग शो YouTube पे, उसको सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं तो आपको सारी रेसिपीज वहाँ पे मिल जाएंगी। घना मेंटेन है सावट, हे असांजो थी वो जामिशीरी तैयार करशी जो, ठीक है। आई छुरी खड़ी मैं तक थोड़ी जी कटिंग कर दिखारा तो मुख्य टाइम बुधा जो प्लीज। हेलो, अंडे, ठीक है। अंडे की मैं कटिंग करके आपको ये चीज़ों की कटिंग भी करके दिखा दूँ ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो। देखें ये अंडा इस तरह कटिंग करके आप लोग रख सकते हैं, ठीक है।
ॾिसो अंडे जो प्लेटर में ई अंडो आहे अहिड़ी तरीक़े सां कटिंग कंदो ऐं बाक़ी शयुनि जी कटिंग करण जी मुंहिंजे हाणे ज़रूरत नाहे त बाक़ी हीउ तव्हांजे लाइ प्लेटर आहे जंहिंमें सावा मिर्च हुआ भरियल भिंडियूं हुयूं भरियल पटाटा तरियल हुआ बारीक हुन सां गॾु पालक साबित आहे पत्ता विझी फ्राई करे छॾिजो वाङण आहे हुनजा स्लाइसिस आहिनि बेदा ॿ बॉइल करे उहे करे वठिजो हाफ़ पीस करे रखिजो ऐं हुनजे अलावा बटाटा वड़ा ठाहिया आहिनि आलू जो मिक्सचर ठाहे हुनखे कोट करे ठाहियो आहे भिंडियूं ठाहियूं आहिनि बसर जा पकौड़ा ठाहिया आहिनि पालक जा पकौड़ा ठाहिनि पूरो हिकिड़ो प्लेटर ठही वियो आहे हीअ पूरी हिकिड़ी फैमिली लाइ आहे 8-10 माण्हू आराम सां खाई सघनि था चटणी तव्हांखे ठाहिणु सेखारी आहे हीअ चटणी हफ़्ते ताईं आराम सां 10 ॾींहनि ताईं हली सघे थी फ्रिज में रखिजो ॿाहिरि न रखिजो गर्मी आहे त ख़राबु थी वेंदी कड़छी जो जामी शयूं तव्हांजे साम्हूं ठाहियो आहे हिन जी डिफरेंट ट्रिक्स तव्हांखे ठाहिणु सेखारींदमि त ऐं काफ़ी सारा शरबत आहिनि पंहिंजी रेसिपीज़ जा उहो बि तव्हांखे ठाहिणु सेखारिबा सुभाणे 12 वॻे रिपीट में बि ॾिसी सघो था ठीकु आहे कल 12 बजे रिपीट चलेगा इसी तरह पूरा प्लेटर मैंने बनाया है 8-10 अफराद के लिए है तो इस तरह आप पूरा प्लेटर बना के रख सकती हैं कल की रेसिपी देखिएगा फ्रूट चाट बनाएंगे मिक्स फ्रूट चाट एक क्रीमी फ्रूट चाट बनाएंगे एक बनाना फ्रूट चाट बनाएंगे तीनों रेसिपीज़ कल देखिएगा इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे पूरा रमज़ान आपके साथ बहुत सारी वैरायटी आप लोग कोई अपनी फरमाइश करते हैं कुछ अपनी रेसिपी भेजना चाहती हैं तो मेरे पेज पर कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है फेसबुक पर वहाँ मुझे रेसिपी पूरी आप अपनी सेंड कर दें तो वहाँ पर मैं वो रेसिपी आपके नाम से यहाँ बना सकता हूँ ठीक है इंशाल्लाह कल ये 12 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है उसको लाइक करें फेसबुक पे वहाँ पे सारी रेसिपीज़ अपलोड हैं विद पिक्चर कोई मैसेज करना हो कुछ पूछना हो आप वहाँ पे पूछ सकती हैं एनी टाइम मैं आपको रिप्लाई करूँगा और कल रिपीट भी चलेगा 12 बजे यही पूरा प्रोग्राम और वीडियो चैनल हमारा बना हुआ है सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे हमारा चैनल है वहाँ पे आप ये सारी वीडियोज़ देख सकती हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखें कल आपसे मुलाकात होगी नई रेसिपी से सुभाणे पंजो खोड़ सारो ख्याल रखो सुभाणे नई रेसिपी से तव्हां सां मुलाकात थींदी दुआउनि में याद रखिजो अल्लाह हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो